खुशियाँ हो, हर लम्हा हर कदम हो, जब संग हम और तुम हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिशी खान एंड यू वाचिंग थैंक यू सनोफी एवेंटिस बिकॉज हेल्थ मैटर्स। नाज़रीन, एक सर्वे के मुताबिक 2030 तक डायबिटिक अफराद की तादाद दुनिया में 366 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जिसकी बहुत बड़ी वजह कम इल्मी और हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल होगा। जबकि मुनासिब ग़िज़ा और बाकायदा एक्सरसाइज से 80% तक टाइप 2 डायबिटीज से बचा जा सकता है। यही मकसद है सनोफी एवेंटिस का कि हम आपको पाकिस्तान के लीडिंग डॉक्टर्स, फिजिशियंस और कंसल्टेंट्स के ज़रिए वो मालूमात फराहम करते हैं जिनको जानने के बाद आप सही वक्त पर अपने लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस ला सकें और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से गुजार सकें। और इसी कोशिश को सराहते हुए हम कहते हैं थैंक यू सनोफी एवेंटिस बिकॉज हेल्थ मैटर्स। आइए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं एक शॉर्ट स्टोरी। ये रेहान साहब हैं, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक मुनासिब ओहदे पर फाइज हैं। दिन भर अपनी सीट पर बैठे बैठे कंप्यूटर या फ़ोन के ज़रिए अपने ऑफिस के सारे काम करना इनका रोज़ का मामूल है। खाने में बद एहतियाती की वजह से इनका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले कई दिनों से इन्हें प्यास भी ज़्यादा लगने लगी है, जिसकी वजह से इन्हें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और साथ ही इन्हें भूख भी ज़्यादा लगने लगी है। अब अक्सर ये काम से उकता जाते हैं, थकन महसूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनका काम भी मुतासर हो रहा है। इनकी ये कैफियत देख कर इनके एक कुलीग ने इन्हें फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाने का मशवरा दिया कि कहीं इनको डायबिटीज़ तो नहीं। डॉक्टर ने रेहान साहब का शुगर लेवल टेस्ट करने और इनकी कैफियत जानने के बाद इन्हें बताया कि इन्हें डायबिटीज़ है और अब इन्हें अपना लाइफस्टाइल तब्दील करके ज़िंदगी भर बाकायदगी से दवा खानी है और साथ ही अपना वज़न भी कंट्रोल करना है। डॉक्टर साहब ने डायबिटीज़ के बारे में इन्हें बताया कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे जिस्म में मौजूद एक हदूद पैनक्रियाज में बनता है। इंसुलिन का काम हमारे खून में ग्लूकोज या शुगर की मिकदार को काबू में रखना है। हमारे जिस्म में मौजूद अरबों खलियों या सेल्स को एक नन्ही मशीन के तौर पर तसव्वुर कीजिए। मशीनों की तरह इन खलियों या सेल्स को भी ईंधन की ज़रूरत होती है। हमारी ग़िज़ा में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जिस्म में जाने के बाद टूटकर ये फ्यूल या ईंधन फराहम करते हैं। हमारे जिस्म में मौजूद सेल्स ख़ास तौर पर कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म ग्लूकोज यानी शुगर को एक अहम ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज इन सेल्स में रिसेप्टर्स के ज़रिए दाखिल होता है। ये रिसेप्टर्स उन जगहों को कहते हैं जो इंसुलिन को वसूल करते हैं और फिर ये इंसुलिन ग्लूकोज को इन रिसेप्टर्स के ज़रिए खून में दाखिल होने में मदद देता है। लेकिन अगर यही इंसुलिन मौजूद ना हो, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़, या किसी वजह से अगर ये अपना काम ना कर सके जैसा कि टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है, तो ग्लूकोज सेल्स में बआसानी दाखिल नहीं हो पाता बल्कि हमारे खून में जमा हो जाता है और हमारे खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है, जिसका नतीजा डायबिटीज़ की सूरत में निकलता है। चुनाचे इंसुलिन की मिसाल एक फ़नल की सी है जो ग्लूकोज को रिसेप्टर्स के ज़रिए सेल्स में दाखिल होने का रास्ता फराहम करता है। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के मुताबिक अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे ज़्यादा हो फास्टिंग कंडीशन में या नहार मुँह, तो उसे डायबिटीज़ है। और अगर यही ब्लड शुगर लेवल रैंडम या किसी भी वक्त अगर टेस्ट किया जाए 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे ज़्यादा हो, तो उसे डायबिटीज़ है। नाज़रीन, आपने शॉर्ट स्टोरी देखी, यकीनन आपके आसपास भी कई लोग इसी लाइफस्टाइल का शिकार होंगे। आइए नाज़रीन, देखते हैं आज मिस्टर सनी डॉक्टर से क्या पूछना चाहते हैं। थैंक यू सनोफी एवेंटिस। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ क्या होती है? डायबिटीज़ इज़ अ कंडीशन जिसमें या तो बॉडी
कम इंसुलिन बनाता है या बॉडी इंसुलिन बनाता है मगर वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके नतीजे में खून के अंदर शुगर बढ़ने लगता है, वो शुगर सेल्स के अंदर जहाँ पे शुगर की ज़रूरत है वो नहीं जा पाता है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ की कितनी इकसाम हैं? डायबिटीज़ की वैसे तो बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन हम जो क्लिनिकली या प्रैक्टिस के में देख रहे हैं पेशेंट्स को, उसमें मेजॉरिटी में तीन हैं। एक बच्चों के अंदर होती हैं, जो 15 साल से कम उम्र वालों में ज़्यादा करके नज़र आती है, जिसको जुवेनाइल टाइप कहते हैं या टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। इसके अंदर या तो जिस्म में इंसुलिन नहीं होती, या इंसुलिन अगर होती है लेकिन जल्दी टूट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरी जो होती है वो बड़ों की डायबिटीज होती है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ भी बोलते हैं या मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये बड़ों की डायबिटीज़ जो होती है, ये वो डायबिटीज़ होती है जैसे पहले मैंने आपको कहा कि इंसुलिन ज़्यादा पैदा होती है इस किस्म में, लेकिन ये वो इंसुलिन होती है जो कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर असर नहीं होती, या जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स या सेल इस किस्म के हो जाते हैं कि वो इस इंसुलिन को जवाब नहीं देते, जिसको हम अपनी ज़बान में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। टाइप 3 जेस्टेशनल कहलाती है, कि जो हमल के दौरान होती है, और हमल के बाद मेजॉरिटी में वो टाइप डायबिटीज़ की ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ की अलामत क्या हैं और सिम्टम्स या अलामत क्या हैं? वो ये है कि पेशाब की ज़्यादती, प्यास की ज़्यादती, वज़न का कम होना, इन्फेक्शंस मुख्तलिफ जगहों पे होना, ज़ख़म का देर से भरना, ये सब अलामत हैं डायबिटीज़ की। इसके जो क्लासिकल सिम्टम्स जिसको हम कहते हैं, प्यास लगना बहुत ज़्यादा, पानी पी के और मज़ीद प्यास लगना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा छोटे पेशाब का आना, यूरिन बहुत ज़्यादा आपका आना, जिसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं। सो ये एक दो हैं। फिर टांगों में जान न रहना, आपको नकाहत होना, ऐसे लगना कि आपका वज़न कम होना शुरू हो गया है। सो ये वो तमाम अलामत हैं जिसमें शुगर को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नाज़रीन, इट्स टाइम फॉर अ क्विक शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक।